आप चाहे किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका यह कार्ड अमेरिकन कंपनी वीजा का ही हो यह एक कॉमन सा परसेप्शन है कि आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू करने वाली कंपनी आपसे बदले में इंटरेस्ट चार्ज करके पैसे बनाती है क्या आपको पता है कि आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी का आपसे कोई डायरेक्ट लिंक ही नहीं है डू यू नो कि आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे इंटरेस्ट यानी ब्याज से पैसा नहीं कमाती क्या आपको पता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अनजान हैं? हेलो एवरीवन दिस इज अजी मलिक फ्रॉम माय चैनल द द एंड एंड हियर वी शूट इश्यूज राइट आज की यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशनल होने वाली है आज आपके क्रेडिट कार्ड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसके बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं था सो स्टेट यून विद मी अलोंग दीडियो आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं ईयर 1958 में बैंक ऑफ अमेरिका ने पहली बार कागज से बना क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया इसे बैंक अमेरिका कार्ड नाम दिया गया ईयर 1970 आने तक बैंक ऑफ अमेरिका का इससे डायरेक्ट कंट्रोल चला गया और डी हॉक की अगुवाई में आईएनसी नेशनल बैंक अमेरिका कार्ड की स्थापना हुई इसके बाद 1974 तक कंपनी ने तेजी से वर्ल्ड वाइड अपना मॉडल फैलाया और अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस बना ली फिर 1976 में बैंक अमेरिका कार्ड का नाम ऑफिशियली वीजा कार्ड हो गया इसके बाद 1983 में वीजा ने एटीएम का नेटवर्क स्टार्ट किया डी वॉर्ड हॉक को वीजा का फाउंडर माना जाता है 1984 में हॉक इस दुनिया को अलविदा कह गए आज 200 प्लस कंट्रीज में 15,000 से ज्यादा बैंक से जुड़कर वीजा ने लगभग चार अरब कार्ड दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं साठ साल पहले इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की शुरुआत करने वाली कंपनी वीजा की पहुंच दुनिया के कोने कोने में है इसकी वर्ल्डवाइड एक्सेप्टेबिलिटी ही इसकी वर्ल्डवाइड सक्सेस का सीक्रेट है इंडिया में मैक्सिमम बैंक डेबिट क्रेडिट के लिए चार तरह के कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं इसमें वीजा मास्टर कार्ड माइस्त्रो और रुपए कार्ड शामिल हैं हालांकि वीजा को इंडिया में रुपए कार्ड से स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन मिल रहा है परंतु टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से वीजा अभी भी ग्लोबल ब्रांड बना हुआ है बिकॉज़ इंडिया में भी अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने हैं तो वह वीजा के थ्रू ही हो सकेगी ईयर 2021 में वीजा ने 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का लेन देन किया वीजा से आज की तारीख में 10 करोड़ से ज्यादा बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करके पैसा कमाती है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है इंटरेस्ट फीस से पैसा आपका बैंक कमाता है एक्चुअली क्रेडिट कार्ड कंपनीज का तो कस्टमर्स यानी आपसे कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है एक्चुअली क्रेडिट कार्ड कंपनी एक फोर पार्टी मॉडल पर काम करती है जिसमें कस्टमर मर्चेंट बैंक एंड फोर्थ पार्टी खुद क्रेडिट कार्ड कंपनी होती है कंपनी का रेवेन्यू इसके द्वारा प्रोवाइडेड डिफरेंट सर्विसेज के बदले में आता है लाइक डाटा प्रोसेसिंग करना पेमेंट को ऑथराइज करना सेटलमेंट रिपोर्ट देना स्वाइप फीस एटीएम एक्सेस फीस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करना एटसेट्रा एटसेट्रा आइए इसे थोड़ा सा आसान करके समझते हैं किसी भी परचेज पर जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं या इवन कार्डलेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके बैंक को जाती है बैंक फर्दर यह जानकारी क्रेडिट कार्ड नेटवर्क को देता है और अब शुरू होता है क्रेडिट कार्ड कंपनी की हाईटेक टेक्नोलॉजी -tech का जादू आपके बैंक से इंफॉर्मेशन मिलते ही क्रेडिट कार्ड कंपनी अपनी एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारे रिस्क फ्रॉड्स और बाकी पैरामीटर्स को एनालाइज करके उसका एक रिस्क और निकालती है और इसे आपके बैंक के साथ शेयर कर देती है फिर इस रिस्क और के बेस पर आपका बैंक डिसाइड करता है कि ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करनी है या नहीं डू यू नो ऑथराइजेशन की यह पूरी प्रोसेस सिर्फ एक सेकंड में पूरी हो जाती है और आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी इसी प्रोसेस को पूरी तरह से सिक्योर सेफ एंड फास्ट बनाने के लिए आपसे चार्ज वसूलती है तो यह थी आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारी जानकारी ऐसी ही और भी नॉलेज एनहेंसिंग इंफॉर्मेशन के लिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हैप्पी